हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। दोस्तों आज की फिल्म है द रेड टर्टल। दोस्तों कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो मन में कई सवाल पैदा करती हैं और दिमाग पर एक गहरी छाप छोड़ जाती हैं। आज की कहानी भी कुछ इसी तरह की है जो इंसान के जीवन को लेकर कई सवाल खड़े करती है। उसी जवाब को तलाश करने के लिए चलिए फिल्म देखते हैं। कहानी की शुरुआत में हम समुंदर में एक तूफान देखते हैं। उसी तूफान के बीच फंसा एक शख्स जो अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है। वो अपनी उस छोटी सी बोट के सहारे लटका हुआ है। दूसरे दिन सुबह वो खुद को एक वीरान आइलैंड पर पाता है। वो भागता हुआ दूसरी तरफ जाता है, शायद उसकी बोट भी उसके साथ बहकर आ गई हो, पर वहाँ कुछ नहीं था। वो पत्थरों के ऊपर ऊंचाई पर चढ़ जाता है। दूर दूर तक जहाँ नज़र जा रही थी बस समुंदर नज़र आ रहा था। कोई दूसरी बोट भी नहीं दिखाई दे रही थी। वो किस आइलैंड पर है और किस दिशा में है इसका भी पता नहीं, बस लहरों की शोर सुनाई दे रही थी। उसी आइलैंड पर एक घना जंगल था। पहले वो डर रहा था पर थोड़ा सोचने के बाद भीतर चला जाता है। वहाँ कुछ नहीं था, बस ढेर सारे लंबे लंबे बांस के पेड़ थे। वहाँ एक जगह इकट्ठा पानी देख उसे पीने लगता है। तभी अचानक से वर्षा शुरू हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था वो इतने बड़े और विशाल समुंदर को कैसे पार करे और किस दिशा में जाए। कई बार तो मदद के लिए आवाज़ भी लगाई पर उन हवाओं में उसकी आवाज़ खो सी गई। थक हार फिर उसी जंगल में लौटा। जंगल के बीच एक छोटा सा तालाब था। ये देख मन में थोड़ी सी शांति हुई कि उसे यहाँ प्यासा नहीं मरना पड़ेगा। वहाँ से दूर देखा तो पेड़ों पर कुछ फल लटक रहे थे। भूख भी जोरों की थी, किसी तरह फल को चढ़ के तोड़ा। एक तेज बारिश के बाद तेज धूप खिली थी। आकाश भी पंछियों के शोर से गूंजने लगा था। वो देखता है किनारे पर एक लकड़ी का बक्सा बहता आ रहा था। वो नीचे उतरने जाता है, तभी उसका पैर चट्टानों से फिसल जाता है और वो चट्टान की सुरंग से होता हुआ समुंदर में गिर जाता है। किसी तरह वो वहाँ से निकलकर किनारे आ जाता है। वो उस लकड़ी के बक्से को किनारे पर लाता है पर उसमें कुछ नहीं था। निराश होकर फिर जंगल लौटा। उसके दिमाग में एक तरकीब सूझी, क्यों न जंगल में जो बांस है उसे जोड़कर अपने लिए एक नौका तैयार की जाए और यहाँ से निकला जाए। उसने बिल्कुल ऐसा ही किया। लकड़ियों को तोड़ने में शाम हो गई। सभी को वहीं बीच पर इकट्ठा किया। अब वो भी काफ़ी थक चुका था तो वहीं बीच पर आराम से लेट जाता है। रात खड़े होकर घंटों चांद को निहारता रहा और आकाश में एक साथ लाखों तारे टिमटिमा रहे थे। वो नज़ारा बिल्कुल अद्भुत था। रात सोते समय नींद खुली और तुरंत समुंदर की तरफ भागा। समुंदर पर किसी ने उसके लिए एक पुल बना दिया हो। चेहरे पर मुस्कान लिए उस पुल पर भागता चला गया। अचानक से उसकी रफ्तार बढ़ गई और वो हवाओं में उड़ने लगा। पर नींद खुली तो देखा सामने कुछ भी नहीं, ये बस उसका एक सपना था। मन फिर से उदास हो गया। सुबह होते ही लकड़ियों को इकट्ठा किया और उन्हें बांधकर एक मजबूत नौका तैयार की, पर वो नौका इतनी भारी हो चुकी थी कि वो ढकेली ना जा सके। अब एक नई मुसीबत थी कि उसे समुंदर में कैसे उतारा जाए। पर अपनी तरकीब से उसने लकड़ियों को सामने बिछाया और नाव को किसी तरह से समुंदर में उतारा। थोड़ी देर सोचा रुक कर आराम कर लूँ क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा है, और अपने लिए कुछ फल उसी नाव पर लाद दूँ क्योंकि कुछ पता नहीं सफ़र कितना लंबा होगा। आखिरकार नाव को समुंदर में उतार उसने अपनी यात्रा शुरू की। अभी वो थोड़ी दूर ही गया था कि उसे महसूस हुआ कि उसकी नाव से कोई बड़ी सी चीज़ टकराई। नीचे झाँका तो कुछ न था, और फिर दोबारा वो चीज़ आकर टकराई जिससे उसके नाव के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसने पानी के भीतर जाकर चारों तरफ नज़र घुमाई पर कुछ दिखाई नहीं दिया। किसी तरह तैरकर किनारे पर वापस लौटा। पलटकर समुंदर की तरफ देखा और ज़ोर से चिल्लाया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने दोबारा से मेहनत की और एक नाव तैयार की और फिर से उसे समुंदर में उतारा। पर डर भी रहा था कि वो चीज़ फिर से ना आ जाए। झाँक कर देखा तो सब ठीक था। वो चीज़ फिर से आकर ज़ोर से टकराई और नाव टूट गई, पर अब भी उसे कोई नहीं दिखाई दिया। दोबारा से सारी मेहनत बेकार हो गई। बीच पर लौटा तो शाम हो चुकी थी। थकान की वजह से अब चल भी नहीं पा रहा। उदास होकर वही बीच पर बैठ गया। जोरों की हवा चल रही थी। अब उसके कपड़े भी पूरे फट चुके थे। वो जंगलों में लेटा हुआ है। सुबह हुई फिर से रात हुई, उसे कुछ भी होश खबर नहीं। रात उठकर बीच की तरफ भागा तो देखा चार पुरुष बैठकर संगीत गा रहे हैं। वो जैसे ही उनके पास गया वो अदृश्य हो गए। इतने दिन उस आइलैंड पर अकेले बिताने के बाद उसका दिमाग अब भ्रमित होने लगा था। यहाँ की खामोशी उसके लिए उलझन बन गई थी। वो शोर जो शहरों में था वो यहाँ नहीं। वहीं बीच पर बैठ घंटों रोया,
ना तो कोई आंसू पोंछने वाला, ना कोई उसके चीखे सुनने वाला। कभी तालाब में जाता तो कभी समुद्र में बैठ घंटों आसमान को ताकता। वहीं किनारे पर मरा हुआ एक सील था, उसे चीरकर उसके खाल से अपने लिए एक पैंट बनाई। उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई और एक नाव तैयार की, पर इस बार वो काफ़ी सतर्क था। अगर वो चीज़ दिख गई तो वो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। तभी उसे महसूस होता है कि पास कुछ है। वो मुड़कर देखता है, उसके सामने एक लाल रंग का विशाल कछुआ है। ये देख वो काफ़ी हैरान होता है। ये वही कछुआ है जिसने दो बार टक्कर मारकर उसकी नाव तोड़ दी थी। इस बार भी वो यही करेगा। वो गुस्से में उस पर डंडे से हमला करता है, पर वो टक्कर मारकर उसकी नाव को फिर से तोड़ देता है। वो जैसे समुंदर में गिरता है, कछुए को अपनी तरफ बढ़ता देख भागने लगता है, पर वो एक जगह रुक जाता है। वो मुड़कर देखता है, वो कछुआ बिल्कुल उसके पीछे है, पर उसे कुछ नहीं करता। वो कछुआ वहाँ से चला जाता है। वो फिर से उसी बीच पर आ जाता है। निराश और गुस्से से भरा हुआ समुंदर में पत्थर उठा के फेंकता है। चट्टान के ऊंचाई पर चढ़ के जोर से चिल्लाता है। तभी वो देखता है कछुआ चलकर बीच पर आ गया है। ये देख वो सोचता है, यही मौका है इसे ख़त्म करने का, उसके बाद वो यहाँ से निकल सकता है। वो भागकर एक बांस ले आता है और जोर का उस कछुए के सर पर मारता है। फिर उसके कवच को उठाकर पलट देता है ताकि वो वापस समुंदर में ना जा पाए, और गुस्से में उसके ऊपर जोर से कूदता है जिससे उस कछुए को काफ़ी तकलीफ़ होती है, और फिर वो समुंदर में तैरने चला जाता है। अब वो खुद को आज़ाद महसूस कर रहा था, जैसे कोई बड़ी मुसीबत हल हो गई हो। शाम हो गई, सूरज भी डूब चुका था। वो बीच पर फिर से लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगता है। जल्दी उठकर सुबह की पहली किरण के साथ वो अपनी यात्रा शुरू करेगा। हम देखते हैं सुबह हो गई है, वो अभी भी लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा था। वो पास में पड़े उस कछुए को देखता है, वो बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहा था। वो समुंदर में जाकर अपने लिए मछली पकड़ता है, फिर उस कछुए को जाकर देखता है। उसे अब उस पर दया आ रही थी, वो तो बस एक जानवर था, पर उसे गुस्से में अपना धीरज नहीं खोना चाहिए था। शायद वो कछुआ मर चुका था। रात उसे अपनी गलती का एहसास होता है, वो जाकर उसे पलटने लगता है, पर उसे पलट नहीं पाता क्योंकि वो काफ़ी विशाल था। वो समुंदर से पानी लाकर उसके मुंह पर फेंकता है, फिर भी वो नहीं उठता। उस कछुए के लिए उसके दिल में एक प्रेम पैदा हो गया था। अब उसे नाव की चिंता नहीं थी, वो रात उसके पास ही सो जाता है। रात एक आवाज़ सुनाई देती है, वो देखता है उस कछुए का कवच फट चुका है। ये देख वो काफ़ी दुखी हो जाता है और आसमान की तरफ देखने लगता है। जब वो दोबारा उस कछुए की तरफ देखता है तो वो एक सुंदर स्त्री में बदल चुकी थी, जिसके बाल लाल रंग के हैं। उसे अपनी आँखों पर यकीन नहीं होता। वो दोबारा से अपनी आँखों को मसल कर देखता है, शायद ये उसका भ्रम हो, पर वो स्त्री अभी भी वहीं थी, उसकी सांसें चल रही थी। वो भागा और तालाब से पानी ले आया और उस स्त्री को पिलाया, पर कोई असर नहीं। सुबह हो गई, सूरज सर पर आ गया था। इतनी धूप में उसे ऐसे छोड़ना ठीक न होगा। वो कुछ लकड़ी और पत्ते लाकर उसके ऊपर ढक देता है जिससे उसे धूप नहीं लगेगी। उसके पास बैठा उसे देख रहा था और उसके होश में आने का इंतज़ार करने लगा। शाम हो गई और वहाँ जोर की वर्षा शुरू हुई। वो कुछ पत्तियाँ लाने चला गया ताकि उसे अच्छे से ढक दे, बारिश की बूंदें उस पर ना पड़े। पर वो जैसे ही पत्तियाँ लेकर आता है, वो स्त्री उस कवच में नहीं थी। वो बीच पर चारों तरफ देखता है, पर वो नहीं थी। वो जंगल में जाता है, तालाब के पास उसके पैरों के निशान थे, वो ज़रूर यहीं से गुजरी होगी। पर वो चारों तरफ देख लेता है, वो कहीं नहीं थी। निराश होकर बीच पर लेट जाता है। वो रात बीत जाती है, सुबह उसकी नींद खुलती है। वो देखता है वो स्त्री सामने समुंदर में खड़ी है। उसे देख वो उसकी तरफ भागा। शायद उसके पास कपड़े नहीं थे, इसलिए वो बाहर नहीं आ रही थी। वो अपनी शर्ट उतारकर वहीं बीच पर रख देता है और जंगलों में चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो आकर देखता है, वो स्त्री अपना कवच समुंदर में ले जाकर छोड़ देती है, क्योंकि अब उसे उसकी कोई ज़रूरत नहीं। वो जंगलों में चली जाती है। उसने अपनी आधी नाव तो तैयार कर ली थी, पर अब वो यहाँ से नहीं जाना चाहता था। अब उसे जीने का मकसद मिल गया है। वो उस नाव को पानी में छोड़ देता है और तैरने लगता है। वहाँ वो स्त्री भी आ जाती है। दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ चुके थे, पर उसे अब भी याद आ रहा था कि कैसे उसने उसके सर पर हमला किया था। मन में एक अपराध था। वो उस स्त्री की तरफ देख भावुक हो जाता है कि कितना स्वार्थी है वो। पर वो उसके चेहरे पर हाथ रख उसे यकीन दिलाती है कि सब ठीक है।
उसे जरा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। दिन बीत रहे थे, अब उसका अकेलापन भी दूर हो चुका था। करीब एक साल बाद हम देखते हैं उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया है। उसके बाल भी बिल्कुल अपनी माँ की तरह लाल हैं। जो जीवन में थोड़ी बहुत खुशियों की कमी थी वो उस बच्चे ने पूरी कर दी थी। उसका पिता याद करता है एक वक्त था जब वो इस बीच पर अकेला था, पर आज उसका एक परिवार है। उसका नाम उन्होंने जैक रखा था। एक दिन चट्टानों पर खेलते वक्त उसका पैर फिसल जाता है और नीचे समुंदर में गिर जाता है। उसका पिता उसे बचाने के लिए भागता है पर उसकी माँ रोक लेती है। जैक खुद ऊपर आ जाता है। उसकी माँ उसे दूसरी तरफ से निकलने का इशारा करती है। वो समझ जाता है, वो आसानी से तैर पा रहा था। वहाँ पता चलता है वो एक नेचुरल स्विमर है। शायद समुंदर से उनका कोई गहरा रिश्ता है, पर उसके पिता को इस बात से काफ़ी डर लगता है। वो जैक को किसी कीमत पर खोना नहीं चाहते। रात उसकी माँ समुंदर की तरफ देखती है। शायद वो आने वाले कल से बेखबर थी। अब धीरे धीरे जैक बड़ा हो रहा था और उसने अपने पिता के साथ काफ़ी काम भी सीख लिए थे। हम देखते हैं वक्त बीत चुका है, अब जैक एक युवक बन चुका है। वो अपना अधिकतर समय समुंदर में तैराकी करके बिताता। उसके साथ तीन हरे रंग के कछुए और तैरते। दूसरे दिन शाम जब वो अपना काम कर रहे थे तो अचानक से सभी पंछी एक साथ चिल्लाने लगते हैं। शायद ये कोई आने वाले खतरे का संकेत था। वो कुछ समझ नहीं पाते। उसकी माँ देखती है दूर समुंदर में एक बड़ी सी लहर उठी है जो तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ रही है। ये आने वाले सुनामी का संकेत था। जैक जंगल में तालाब के पास था। वो जब देखता है तो अपने माता पिता की तरफ भागने लगता है। उसके माता पिता भी जैक की तरफ भाग रहे थे, पर सुनामी सब कुछ बहा ले जाता है। कुछ समय बाद जब पानी आइलैंड से उतरता है, जैक को होश आता है। वो अपने माता पिता की खोज में यहाँ से वहाँ भागने लगता है। वो चट्टान के ऊपर चढ़ उन्हें आवाज़ देता है। उसकी आवाज़ में एक दर्द था। उसे चट्टान पर अपनी माँ दिखाई देती है जो घायल थी, पर उसके पिता का अब भी कोई पता नहीं। वो जिंदा भी है या नहीं इसका भी पता नहीं। वो समुंदर में उन्हें तलाश करता है पर कुछ हासिल नहीं होता। हम देखते हैं उसके पिता आइलैंड से दूर बीच समुंदर में एक लकड़ी के सहारे तैर रहे हैं, पर तेज धूप की वजह से उनकी हालत ख़राब हो रही थी। जैक अपने पिता को ढूंढने में उन तीन कछुओं की मदद लेता है। वो तीनों उसे उसके पिता के पास ले जाते हैं और वो वक्त पर पहुंचकर उन्हें बचा लेता है। जब वो वापस आता है तो उसकी पत्नी देख भावुक हो जाती है। सुनामी ने उस आइलैंड को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। वो उस तालाब को साफ करते हैं जो पूरी तरह लकड़ियों से भर गया था, और वो सारी लकड़ियों को जमा कर बीच पर आग लगा देते हैं। पर जैक के मन में अक्सर इच्छा होती कि समुंदर के उस पार क्या है। वो घंटों बैठ बीच पर समुंदर को देखा करता। उसे लगता था शायद इसके पार एक और दुनिया है जिससे अब तक वो परिचित नहीं। जैक अब काफ़ी उदास रहने लगा था और अपना अधिकतर समय अकेले बिताता। उसके पिता ये बात जानते थे कि जैक अब इस रोज की ज़िंदगी से उब चुका है। रात वो अपने माता पिता के पास आता है और बताता है कि वो समुंदर के उस पार जाना चाहता है, उसे बाहर की दुनिया देखनी है। दोनों भावुक हो जाते हैं, पर जैक की ज़िद थी, उसे रोकना भी ठीक नहीं। सुबह अपनी यात्रा शुरू करने से पहले वो अपने माता पिता को अलविदा कहता है। वहाँ वो तीनों कछुए भी आए थे जिनके साथ वो इस यात्रा को शुरू करेगा। जैक वहाँ से निकल जाता है। हम देखते हैं वक्त बीत रहा था, सालों बीत गए, पर जैक की कोई खबर नहीं। उसके माता पिता भी अब बूढ़े हो चले थे। उसके पिता समुंदर की तरफ देखते हैं। वक्त कितने जल्दी बीत गया पता ही नहीं चला, मानो जैसे कल की ही बात हो जब उसने खुद को इस आइलैंड पर अकेला पाया था और यहाँ उसके साथ अच्छी और बुरी घटनाएं घटी। अच्छी घटना यानी उसके पत्नी और उसके बच्चे हैं। अब उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि आने वाला कल क्या ले आएगा। उसने अपना एक खुशहाल जीवन जी लिया, पर मन में एक दुख था कि उनका इकलौता बेटा उनके साथ नहीं। आखिर वो दिन आ गया। एक रात सोते समय बीच पर उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। ये देख उसकी पत्नी काफ़ी दुखी हो जाती है। वो उसके हाथों में हाथ रख वहीं सो जाती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो एक कछुए में बदल गई है और वो फिर से उसी समुंदर में चली जाती है, और फिल्म इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इस फिल्म की खास बात ये है कि ये एक साइलेंट फिल्म है जिसमें एक भी डायलॉग नहीं है। दोस्तों, ये फिल्म हमें इंसान और नेचर के बीच के रिश्ते को दिखाने की कोशिश करती है। जब वो शख्स आइलैंड से निकलने के लिए स्ट्रगल करता है पर नेचर के अगेंस्ट नहीं जा पाता, हर बार वो उसी आइलैंड पर पहुंच जाता जब तक कि वही नेचर फोर्सेस उसे उस आइलैंड पर रहने का कारण प्रदान नहीं करती।
जब तक कि वो उस स्त्री से नहीं मिला था, अकेला और बेचैन था। वो उस आइलैंड को छोड़ देना चाहता था, पर जब वो उस स्त्री से मिला तो वही आइलैंड उसका घर हो गया। जैसा कि कहा जाता है, वेयर हैप्पीनेस इज फाउंड इट बिकम्स होम, यानी जहाँ खुशियाँ मिल जाए और मन भागना बंद कर दे वही घर बन जाता है। कई बार हमें समझ नहीं आता कि क्या गलत क्या सही है, पर कई बार हम पॉजिटिव चीज़ों को भी नेगेटिव वे में ले लेते हैं। इस कहानी में हम हर एक चीज़ को महसूस कर पाते हैं, विजडम, नॉलेज, पीस, स्ट्रेंथ, क्रिएटिविटी और भी बहुत कुछ। मेरे हिसाब से इस फिल्म का लक्ष्य साधारण जीवन के मॉडेस्ट कॉन्सेप्ट को चित्रित करना था। इस कहानी का ज़्यादा फोकस प्रिमिटिव फीलिंग्स पर था, जो इस बात का समर्थन करता है कि इस दुनिया को शब्दों और आविष्कारों की ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें संघर्ष ले आती हैं, फिर चाहे वो शब्द हो या आविष्कार। इस फिल्म को इस तरह से सरल बनाया गया है जिससे महसूस होता है कि इस कहानी के इमोशंस कितने प्योर एंड इनोसेंट हैं। आज हम में से कई लोगों की सिविलाइज्ड लाइफ सभी तनावों से गुजर रही है और हर तरफ एक डिस्ट्रैक्शन है जिसमें हम खुद को खो सकते हैं और ये भूल सकते हैं कि हम एक इंसान हैं। आखिर हम नेचर से हैं और उस संबंध को स्वीकार करना ही ठीक है। दोस्तों, ये फिल्म स्टूडियो घिबली की प्रोडक्शन में बनी है, जापान का सबसे बड़ा एनिमेशन स्टूडियो जिसकी फिल्मों को दुनिया भर में काफ़ी पसंद किया जाता है। स्टूडियो घिबली की ये पहली नॉन जापानीज फिल्म है और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि घिबली स्टूडियो के किसी भी फिल्म ने मुझे निराश नहीं किया, चाहे वो ग्रेव ऑफ फायर फाइल्स हो या द रेड टर्टल। दोनों फिल्में बेहतरीन थी। आने वाले वक्त में मैं घिबली स्टूडियो से ऐसी और फिल्मों की अपेक्षा रखता हूँ। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।